बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से निकलकर आ रही है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बैठक, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक ग्वालियर में। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। बैठक में ग्वालियर चंबल अंचल के सभी विधायक मौजूद, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह सहित विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद है। बैठक में कांग्रेस विधायकों और विजयपुर विधानसभा की 8 पोलिंग को जिताने की रणनीति बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई। शिंदे की छाव स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में चल रही है बैठक। इस वक्त बड़ी खबर यहां ग्वालियर से निकलकर आ रही है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जावेद खान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जावेद, यहां पर ग्वालियर की अगर बात की जाए तो यहां पर उपचुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है, बैठक हो रही है और शिंदे की छावने स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक चल रही है। क्या कुछ जानकारी विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये सोपोर विधानसभा क्षेत्र का जो जिले का विजयपुर सीट है जो खाली हुई है, जो कि रामनिवास रावत को वहां पे टिकट दिया बीजेपी में शामिल होने के बाद, वो उपचुनाव वहां पर हो रहे हैं और जिसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद हालांकि मंत्री बना दिया गया, लेकिन अब चूंकि बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए दोनों के लिए एक रणनीति है कि जो विजयपुर का उपचुनाव है उसमें बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है और इसी को लेकर ग्वालियर के कांग्रेस कार्यालय में आज जो कांग्रेस के विधायक हैं जयवर्धन सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं और उन्होंने एक बैठक ली जिसमें राज्यसभा सांसद अशोक सिंह सहित जो कांग्रेस के और जो विजयपुर और शोपुर के मंडल के प्रभारी और ब्लॉक के लोग भी वहां मौजूद थे, जो कि पूरी तरह से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है क्योंकि रामनिवास रावत को अभी बिना विधायक बने हुए मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में मोहन मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया है। उन्हें वन मंत्री का कैबिनेट का दर्जा भी दे दिया गया है, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस इस पूरे मामले को पूरे अपने युद्ध स्तर पर ले रही है और इसी तरह की जो बैठक आज यहां आयोजित की गई है उस बैठक में पूरी तरीके से कांग्रेस ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए जो बैठक ली है और तैयारी की है, कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया गया है कि एक एक कार्यकर्ता तैयार रहें और इस उपचुनाव में भाग लें ताकि जो सीट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस पूरी जानकारी के लिए।